नमस्कारम। अभी मैंने एक न्यूज देखी है, उसमें देखा कि पांच देश बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो पांचों देश कोरोना से प्रभावित नहीं हैं। सारी दुनिया उन पर रिसर्च कर रही है कि क्या कारण है कि वहाँ संक्रमण नहीं फैला। जो थोड़े से संक्रमित हुए थे वो भी उन्होंने कवर कर लिए। तो ऐसा कैसे हुआ? तो उनकी रिसर्च में आया सामने कि ये बौद्ध जीवन शैली को अपनाते हैं और नियमित मेडिटेशन करते हैं। इस मेडिटेशन से इनकी विल पावर, आत्मबल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण कोरोना इनको प्रभावित नहीं कर रहा है। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ इतने सारे धर्म की बातें करने वाले लोग, इतने धर्मात्मा लोग, इतने बड़े बड़े महात्मा, यहाँ इतने ईश्वर, कि एक ईश्वर एक आदमी को कोरोना से बचाए तो भी उसकी रक्षा कर सकता है। हमारे यहाँ डॉक्टर कम हो सकते हैं, वैज्ञानिक कम पड़ सकते हैं, लेकिन भगवानों की कोई कमी नहीं है। जब कमी पड़ती है तो बची कुची पूर्ति हमारे देश के बाबा कर देते हैं, वो खुद भगवान बन जाते हैं, लेकिन देश में ईश्वर की कमी नहीं आती है। एक विदेशी व्यक्ति ने कहा भारत के व्यक्ति से कि आपके यहाँ न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, कंप्यूटर बनाने वाले क्यों पैदा नहीं होते? हमारे व्यक्ति ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर बनाने वालों की, क्योंकि हमारे यहाँ तो कंप्यूटर बाबा हैं, हमारे यहाँ तो गोल्डन बाबा हैं, हमारे यहाँ तो फलाहारी बाबा हैं, पायलट बाबा हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सब तरह के बाबा मिल जाते हैं, उनसे हमारी पूर्ति हो जाती है, इससे हमें कंप्यूटर बनाने वालों की ज़रूरत नहीं, हमें न्यूटन की ज़रूरत नहीं, हमें आइंस्टीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इतने बड़े बड़े धर्मगुरुओं का देश भारत, और आज कोरोना से जंग में हारता चला जा रहा है। भारत की स्थिति नंबर वन पर आने वाली है बहुत जल्दी, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है। और जो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते थे, वो सिर्फ भीड़ इकट्ठी करके कोरोना को फैला सकते हैं, वो उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में, हमारे देश में धर्म को धारण करने की आज विद्या ही नहीं है। जो असली धर्म था, हम किसे धर्म कह रहे हैं? मंदिरों में भीड़ पर भीड़ टूट रही है, एक के ऊपर एक चढ़ता चला जा रहा है, जिसमें भगदड़ मचने पर लाखों लोगों की मरने की आशंका रहती है, हम इसे धर्म कहते हैं? बड़े बड़े धर्म की बातें करने वाले आसाराम जैसे लोग बलात्कार के केस में बंद हो गए, इन्हें हम धर्मात्मा कहते हैं? हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? मानव धर्म तो हम भूल ही गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको हमने धर्म मान लिया, और इन धर्मों के द्वारा हमने लोगों के हृदयों को तोड़ने की बात करी है, लोगों को जोड़ने की नहीं, हमने लोगों को मारने की बात करी है। जो मारना सिखाए वो धर्म। भगवान राम ने, जब उनके यहाँ ऋषि मुनि आए, सत्संग हुआ, तो उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो उन्हें ऋषि मुनियों ने बताया कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। और जो हिंसा करके धर्म की स्थापना करे, वो धर्म कैसा धर्म? तो धर्म के नाम पर आज हमारे पास में सिर्फ सड़ी गली मान्यताएं रह गई हैं, और धर्मात्माओं के नाम पर भीड़ इकट्ठी करने वाले लोग रह गए हैं, जो खाई की तरफ भेड़ चाल चलते चले जा रहे हैं, और वो कब विनाश की खाई में, अंध चाल में गिर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। और वही आज देखने को मिल रहा है। यदि हम वास्तव में धर्मात्मा होते तो ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आज से 500 साल पहले भी चाइना में महामारी फैली थी, तब भारत का एक बौद्ध धर्म का भिक्षु बोधिधर्मा, उसने उस महामारी का इलाज चाइना में किया 500 साल पहले। तो धर्म के नाम पर जहाँ धंधा रह जाता है, धर्म के नाम पर जहाँ सड़ी गली मान्यताएं रह जाती हैं, वहाँ का समाज, वहाँ का देश अंधकार में, अंधश्रद्धा में कब नष्ट हो जाए,
उसका कोई भरोसा नहीं। आज हमारी स्थिति वही है कि विश्व गुरु के सपने देखने वाले हम, हमारे पास में आज कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बची है जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बना सके, इंसान को इंसानियत सिखा सके। धन्यवाद।